मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। खड़ा पीछे जाओ, आप पीछे जाओ। और मीडिया के मित्रों का भी एक बार स्वागत करता हूं। मैं दुविधा में हूं, जब टेलीविजन पर बढ़िया सीरियल आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर के लिए ठीक होता है। मुझे पता नहीं विज्ञापन के तौर पर क्यों खड़ा किया गया है, आप सब आनंद ले रहे थे तो मैं उस मर्यादा का ध्यान रखूंगा, औपचारिकता के नाते कुछ बातें कहकर विदा लूंगा। मुझे लगता है कि विभिन्न नौकियाल के गाने किसी परिचय के मोहताज नहीं, अपनी कला से उन्होंने जो मुकाम हासिल किया वो एक लंबी साधना और सीखने की ललक का परिणाम है। जब आज उनके गाने वायरल होते हैं तब उनके पीछे सिर्फ शब्द तुकबंदी और संगीत नहीं है बल्कि उनका परिश्रम है, उनका पैशन है और उनके गुरुओं का आशीर्वाद है। पिछले कुछ सालों में उनके बहुत सारे एल्बम और गाने देश विदेश में रिलीज हुए हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि आज का एल्बम बहुत खास है। कुछ महीने पहले श्रीनगर में मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने इन लोगों से आग्रह किया था कि अब की बार का एल्बम जम्मू कश्मीर पर बनना चाहिए और मुझे खुशी है कि इस काम को इन लोगों ने पूरा किया। ये जो एल्बम है इसमें मौसीकी भी है और जम्मू कश्मीर की सुगंध भी है, ओस की बूंदों से लगी डालियां भी हैं, पहाड़ों के माथे पर सफेद बर्फ की चादर भी है, फिजाओं में बिखरे असार भी हैं, नरम हवाओं में उतरती सरगम, नदियों के किनारे पर लेटा हुआ आलाप, मंदिरों से उठती हुई प्रार्थना की वीणा, ये सब कुछ इस एल्बम में आज हम सब ने देखा। मित्रों, यही तो जम्मू कश्मीर है और उसकी खूबसूरती को अपनी आवाज और कैमरे कैद किया है विभिन्न नौकियालों के साथियों। मैंने इस पल को ऐतिहासिक इसलिए कहा क्योंकि एक बार फिर से सिनेमा नगरी बॉलीवुड के दिग्गज फिल्म निर्देशक जम्मू कश्मीर की फिजा को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने के लिए तैयार है। 1960 के दशक की कश्मीर की कली और 80 के दशक की बेताब सिलसिला लव स्टोरी जैसी फिल्मों के सिलसिले फिर से एक बार हकीकत बनने के लिए हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जब भी जम्मू कश्मीर के अतीत की बातें होती हैं जिसमें सैकड़ों फिल्मों का जिक्र आता है, उसमें एक लाइन जरूर होती है कि बॉलीवुड का यह फेवरेट शूटिंग डेस्टिनेशन रहा। मुझे लगता है कि अभी अतीत की बात हो गई है, अब यह फेवरेट डेस्टिनेशन हो गया है, ये हम चरितार्थ होते हुए देखना चाहते हैं तो दिशा में हम आगे बढ़े। यह पास्ट टेंस की बात नहीं रही बल्कि ये मुझे लगता है कि वर्तमान की बात हो गई है। पिछले कुछ महीनों से लगातार फिल्म से जुड़े लोगों का जिस तरह से कश्मीर में आना हुआ है, उन्होंने फिर से ना सिर्फ जमीन का रिश्ता बॉलीवुड से जोड़ा है बल्कि यह भी कह रहे हैं कि आज जम्मू कश्मीर किसी भी फिल्म मेकर के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे इसके साक्षी रहे हैं, हिट फिल्मों की शूटिंग के लिए और लाइव कैमरा एक्शन के लिए वही मंजर फिर से तैयार है। मुझे याद है 8 अगस्त 2019 देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बॉलीवुड से आह्वान किया एक बार फिर से फिल्मों की शूटिंग जम्मू कश्मीर में आप शुरू करें।
उनकी बात मैं उद्धृत करना चाहूंगा। एक जमाना था जब बॉलीवुड की फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में होती थी। उस दौर में शायद ही कोई ऐसी फिल्म होती थी जिसकी शूटिंग कश्मीर में नहीं होती थी। अब जम्मू कश्मीर में स्थितियां सामान्य होंगी तो देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई फिल्म मेकर कश्मीर में शूटिंग करने के लिए आ सकेंगे और इसके साथ ही कश्मीर और जम्मू के लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री जी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अलावा तमिल तथा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से भी यही अपील किया था। कोरोना महामारी के चलते जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरा विश्व थम गया है, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां नियंत्रण में आई फिल्म मेकर्स आना शुरू हो गया। वीडियो एल्बम की शूटिंग शुरू हो गई। बॉलीवुड तथा दक्षिण भारत की फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने प्रशासन से संपर्क साधना शुरू कर दिया। आप लोगों ने खुद अखबारों में तथा टेलीविजन चैनल्स में देखा होगा इम्तियाज अली, प्रसाद कामिल, मधुर भंडारकर, सिद्धार्थ राय कपूर जैसी अनेक हस्तियां तथा कई अन्य बड़ी बड़ी प्रोफेशनल कंपनियां, प्रोडक्शन कंपनियां पिछले दिनों जम्मू और कश्मीर में आई हैं। सबका एक ही स्वर है, वे जल्द ही फिल्म शूटिंग के लिए फिर से लौटेंगे। The two highly enduring dream professions, Indian administrative service and Bollywood celebrity. We find both in him. Tujhe bolna chahta hai, lekin bolna chahta hai. Tujhe bolna.